हेलो फ्रेंड्स, पौष्टिक पकवान किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर और हरे धनिया की चटनी। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है और हेल्दी भी रहती है और हम इनको सभी पराठों के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सामग्री बताती हूँ। यहाँ पर मैंने एक बड़ा टमाटर कट किया है, देसी टमाटर लेंगे, और एक गुच्छा हरा धनिया लिया है, थोड़ा ज़्यादा लेना है, और 3 हरी मिर्च लेकर कट करी है, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 पिंच हमने हींग लिए और 1 ही छोटी चम्मच नमक, और थोड़ा सा हम इसमें नींबू निचोड़ेंगे। साथ में थोड़ा सा पानी लगेगा चटनी बनाने के लिए, बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें पानी यूज़ करेंगे कि हमारी चटनी पिस जाए, बस इतना। तो चलिए हम इसकी तैयारी करते हैं। हमें सारा सामान हमारे जार में डालेंगे। चटनी बहुत हेल्दी भी रहती है क्योंकि इसमें तेल का यूज़ तो होता नहीं है, साथ में पराठे और सबके साथ इसका जोड़ बहुत अच्छा लगता है। जीरा, हींग और थोड़ा सा इसमें हम नींबू निचोड़ेंगे। नींबू और टमाटर दोनों की खटाई आपस में मिलकर ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाती है। और थोड़ा सा पानी। तो चलिए हम हमारी चटनी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी टमाटर और धनिया की चटनी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही अच्छी बनी है। मैं इसको निकाल लेती हूँ। आलू के पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है चटनी, साथ ही किसी प्रकार के आप पराठे के साथ, मेथी के पराठे, पनीर के पराठे, मूली के पराठे, सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है, आप भी बनाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फ्रेंड्स।